प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना पागबड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शिफ्ट डिजायर कार को रोका और चेक किया तो उस कार में पुलिस ने 25 किलोग्राम अफीम का डोडा बरामद किया। पुलिस ने तुरंत अफीम की तस्करी करने वाले तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया और इन अभियुक्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अफीम की अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। पुलिस ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कहां से ये अफीम लिया करते थे और किसको सप्लाई करते थे, इन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, थाना पागबड़ा में चेकिंग के दौरान तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम है जफर अली उर्फ असकार हुसैन, ये थाना कोतवाली जिला बदायूं के रहने वाले हैं। दूसरे हैं इमरान पुत्र रफीक, ये थाना अलीगंज जिला बरेली के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं यामीन पुत्र रियासत, ये थाना अलीगंज जिला बरेली के रहने वाले हैं। और इनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से मिली थी, जिसमें करीब 25 किलोग्राम है वो अफीम का जो डोडा है उसका चूरा इनके पास से मिला, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 3 लाख के आसपास में है। और एक इनके पास से सैमसंग का मोबाइल मिला है। और इन लोगों को जब पूछताछ किया गया है तो इन लोगों ने बताया है कि ये लोग जो डोडा और चूरा का जो कारोबार ये करते हैं और इसके बाद में इसको ये आगे जो लोग हैं इनके जो गैंग के लोग हैं उनको बेच देते हैं। तो अभी इसमें इन लोगों से गिरफ्तार करने के बाद में ये जान पहचान की जा रही है कि इन लोगों ने कहाँ से सामान प्राप्त किया और किसको ये बेचने जा रहे थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। अभी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो सामान है उसको बरामद किया गया है, गाड़ी भी इनको सीज की गई है और आगे किसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। गैंग में तीन लोग और भी लोग हैं, ये मैंने बताया ना कि ये लोग कहाँ से इसको प्राप्त करते थे और कहाँ से ये इनको डिलीवर करना था, क्योंकि ये एक तरीके से कैरियर का काम कर रहे थे। तो इनमें दोनों जो रिसीविंग और जो इनका जो मतलब जहाँ पे इनको देना था इसका डिलीवरी होनी थी, उन दोनों पॉइंट्स पे हमको इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके लिए टीम जो हमारी पागबड़ा की जो टीम है उसको बताया गया है कि इसकी जानकारी करेंगे और आगे जो लोग इसमें और जो गैंग में लोग हैं उन सबको भी इसमें कार्रवाई की जाएगी।